जय गुरुदेव। अब जैसे वादा किया था, आज हम एक खास वस्तु पे चर्चा करने वाले हैं। मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा का महत्व क्या है, ये हम कभी और दिन देखेंगे जब प्रश्न आएगा तब। आज जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। हमने कहा है कि कृष्ण की दाढ़ी को देखकर दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है, वरना नहीं होता है। आप भगवान कृष्ण के दर्शन करो और उनकी दाढ़ी के दर्शन ना करो तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे हर मूर्ति में एक रहस्यमय जगह ऐसी होती है कि उसको अगर आप देखो तो ही आपको लाभ होगा, वरना लाभ नहीं होगा। अब ये जगह को कैसे पहचाने, इसका मैं आपको कुछ रहस्य बताता हूं। भगवान कृष्ण की दाढ़ी के पास हमेशा आप देखोगे तो कोई चमकीली चीज होगी, अर्थात अगर आप श्रीनाथ जी का स्वरूप देखते हैं तो यहाँ पे एक हीरा लगा हुआ है, आप राधा कृष्ण का स्वरूप देखते हैं तो यहाँ पे बांसुरी होती है, वो बांसुरी चमकती है। कृष्ण और माँ काली में कोई फर्क नहीं है, इस वजह से माँ काली की लाल खून से भरी जिह्वा बाहर होती है तो उनकी भी दाढ़ी का ही दर्शन उनको होता है, और वहां पे देख के हमारा दर्शन का पुण्य पूर्ण होता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर, उनका तीसरा नेत्र हमेशा चमकता हुआ बताया जाता है, और दूसरा नाग जो है उसका फन तीसरे नेत्र के पास होता है, तो उससे हमको पता चलता है कि तीसरे नेत्र को देखना है। जहां भी कमल हो, फूल हो, या जहां भी नाग बैठा हो, उस जगह पर देखने से उस मूर्ति के दर्शन पूर्ण होते हैं। जैसे माँ तारा और गणेश जी के नाभि पे नाग बैठा हुआ होता है, तो गणेश जी के दर्शन नाभि को देखकर ही पूरे होते हैं। माँ तारा के भी दर्शन माँ तारा की नाभि को देखकर ही पूरे होते हैं। माँ तारा के जोड़े के ऊपर भी नाग बैठा हुआ होता है, और वो दो नीले कमल पकड़ कर ऐसे खड़ी होती है, तो उसके उनके सर पे उनकी जटा के, उनके सहस्रार चक्र के दर्शन करके उनके दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी के हृदय के दर्शन करने होते, इसलिए माँ लक्ष्मी ने दो कमल, या माँ कमला, माँ पद्मावती ने दो कमल अपने हृदय के पास पकड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से जो भी देवी देवता नाग के साथ है तो नाग का फन किस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ देखने से वो दर्शन पूर्ण होते हैं, या अगर उन्होंने कमल या कोई फूल पकड़ा हुआ है जिस चक्र की ओर, उस चक्र को देखकर आपके दर्शन पूरे होते हैं। जैसे कि माँ लक्ष्मी जो है कमल पर विराजमान है तो स्तन को भी, उनके हृदय को भी देख के आए वो दर्शन पूरे होते हैं, साथ ही साथ उनके मूलाधार चक्र के दर्शन करने से भी दर्शन पूरे होते हैं, क्योंकि पूरे कमल पे ही वो विराजमान है। इसी प्रकार से माँ भुवनेश्वरी, वो कमल पे विराजमान है तो उनके मूलाधार चक्र के दर्शन करके दर्शन पूरे होते हैं। अलग अलग देवियां हैं। माँ सरस्वती को अगर आप देखो तो उनके गले के पास से वीणा जाती है और उनका हाथ जो है वहां पे चमकते रहता है, तो उनके गले के दर्शन करके, क्योंकि वाग वागिनी है, स्पीच की देवी है, वाणी की देवी है, इस वजह से गर्दन को देखकर दर्शन पूरे होते हैं। भगवान विष्णु के सर पे शेषनाग बैठे हुए हैं और उन्होंने कमल भी ऊपर पकड़ा हुआ है, अर्थात उनके भी सहस्रार चक्र के दर्शन करके आपके दर्शन पूरे हो गए। वराह अवतार के दांत नोकीले चमकीले होते हैं, तो उनके वराही देवी वराह अवतार के दांतों को देखकर दर्शन पूरे होते हैं, और इसी वजह से भगवान वराह के जो दांत है वो बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। भगवान नरसिंह के नाखून चमकीले होते हैं और अपने हृदय के पास उन्होंने नाखून पकड़े होते हैं, अर्थात उनके हृदय चक्र, अनाज चक्र और उनके नाखून के दर्शन करने से बहुत लाभ होता है। इसीलिए शेर के नाखून जो है वराह के दांत की तरह ही बहुत चमत्कारी होते हैं, उनको सिद्ध करके धारण करो तो बहुत ही चमत्कारी लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से
अलग अलग देवी देवताओं के मूर्ति को अलग अलग स्थान पर देखने से, दर्शन करने से आपके दर्शन सफल होते हैं, वरना दर्शन सफल नहीं होते। अब इसको और गहराई में समझने के लिए हमको कुछ और देवी देवताओं के दर्शन को के बारे में समझना होगा। नाग, कमल, चमकीली चीजें कहाँ पे है उसके हिसाब से हमको समझना होगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किस देवी देवता के बारे में आपको हम समझाए बताए, ब्रह्मा जी स्वयं कमल पे विराजमान है, अर्थात उनका मूलाधार चक्र, और कमल हाथ में भी है गले के पास, अर्थात उनकी गर्दन या उनकी दाढ़ी को देखकर दर्शन पूरे होते हैं। माँ काली का मैंने आपको बता दिया, दाढ़ी जिह्वा उनकी जो बाहर आती है, भगवान शिव का बता दिया, गणेश जी का बता दिया। यदि आपको किसी देवी देवता के बारे में जानना है तो आप अवश्य हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। जो भी देवी देवता के कमल जहां पे है, नाग जहां पे है, अगर मूर्तिकार या तस्वीरकार को, ये कलाकार को ये रहस्य पता है, तो वो अवश्य इस प्रकार से उस तस्वीर को, उस मूर्ति को बनाएगा जिससे ये सब रहस्य मिट ना जाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक और देवी है माँ मातंगी, वो शिला पे बैठती है, पत्थर पे बैठती है, लेकिन अपना एक पैर का अंगूठा उन्होंने रखा है नीले रंग के कमल के ऊपर, और एक नीला कमल उन्होंने पकड़ के रखा है अपने हाथ में। तो वो उनके पैरों के भी दर्शन करना बहुत उत्तम होता है। ऐसा माँ लक्ष्मी का भी है कि माँ लक्ष्मी के पैर जो है वो कमल पे होते हैं, तो उनके पैरों के दर्शन करने से ही लाभ होता है, भी लाभ होता है, क्योंकि हृदय के पास भी है, बैठी भी कमल पे है। तो माँ कमला, माँ लक्ष्मी के पैर, माँ मातंगी के पैरों को भी देख के आपको अवश्य लाभ हो सकता है। मूर्ति के पूरे दर्शन करने के पूरे जो जितने फायदे हैं वो आप एनकैश कर सकते हो। तो इसी प्रकार से इस ज्ञान को चालू रखने के लिए कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, हम अवश्य उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे हम आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और सभी के लाभ के लिए ये ज्ञान को सभी के साथ साझा करें। हरिओम तत्सत।